लोगों को आई लीग के सीजन में होने वाले मैच के बारे में बताऊंगा, जो कि आज करंट मैच मोहन बागान वर्सेस गोकुलम के बीच खेला गया है कल्याणी स्टेडियम में। तो दोस्तों, आज का जो फुल टाइम रिजल्ट रहा है मोहन बागान 2 और गोकुलम 1, जिसकी वजह से मोहन बागान ये मैच जीत गई है और गोकुलम ये मैच हार गई है। दोस्तों, मैं इस मैच को थोड़ा सा एक्सपेंड डिस्क्रिप्शन दूंगा आप लोगों को कि कैसे मोहन बागान इस मैच को जीता है और गोकुलम इस मैच को हारा है। दोस्तों, ये मैच जो हुआ था फुटबॉल मैच, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ है और बहुत ही अच्छा मैच हुआ है। सिर्फ एक गोल की डिफरेंस से ही मोहन बागान जीत चुकी है गोकुलम के अगेंस्ट। दोस्तों, रेफरी ने भी अच्छी डिसीजंस लिए हैं। रेफरी का नाम था क्रिस्टल जॉन। दोस्तों, ये मैच बहुत तगड़ा हो रहा था, बहुत तगड़ा चल रहा था, जिसके बीच 24वें मिनट पर पहला गोल मोहन बागान का आया। मुनोज ने पहला गोल किया मोहन बागान के लिए और मोहन बागान को लीड दिया। और जैसे कि 45 मिनट जब हो रहा था, जब हाफ टाइम क्रॉस हुआ, जब एडिशनल टाइम ऐड हुआ +3 मिनट, उसी के साथ साथ गोकुलम को एक पेनाल्टी शूट मिला, जिसकी वजह से जोसेफ ने पेनाल्टी शूट का गोल किया और उन्होंने ये मैच को ड्रॉ रखा उस वक्त के लिए। और दोस्तों, मैच में टेम्परामेंट आता रहा, मैच में उत्तेजना बढ़ती गई और मैच अच्छी तरह चलती रही, जिसमें बहुत सारे फाउल्स भी हुए हैं, बहुत सारे फाउल्स भी हुए हैं। मोहन बागान ने 17 टोटल 17 फाउल किए हैं और गोकुलम ने 17 टोटल 15 फाउल किए हैं, जिससे मुनुज ने खुद 3 फाउल किए हैं मोहन बागान के लिए। और दोस्तों, मैच चलता रहा, मैच चलता रहा। जब मैच ड्रॉ था, उसके बावजूद 48वें मिनट पर मुनोज ने, ठीक हाफ टाइम के एडिशनल टाइम के 3 मिनट बाद, मुनोज ने गोल दागा मोहन बागान के लिए और मोहन बागान को 2-1 से लीड पर लेके गए। और ऐसे ही खेल चलता रहा, बहुत अच्छा खेल हुआ, जिसकी वजह से एडिशनल टाइम भी, और इतना सारे फाउल हुए इस मैच में, जिसकी वजह से आज एडिशनल टाइम 8 मिनट का मिला और फुल टाइम रिजल्ट रहा मोहन बागान 2 और गोकुलम 1। तो इसी के साथ साथ मोहन बागान ने ये मैच जीत गया कल्याणी स्टेडियम में। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। आप लोगों से यही मिलते हैं कि आप हमारे नए चैनल स्पोर्ट्स टाइम प्लस को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को पा सकें। और ना दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।